Hello everyone, good evening, this is Mamta Verma and we were continuously doing the work of Thomas Heywood. So last class में हमने Thomas Heywood की tragedy थी, a woman killed with kindness को detail में discuss किया था, क्योंकि ये tragedy है वो exam के लिए बहुत ज़्यादा important है. तो इसके जितने भी characters हैं या इसकी जो all over analysis है, deep analysis करना है, क्योंकि exam में यहाँ से 2 से 3 बार question आ चुके हैं. और लास्ट क्लास में इस ट्रेजेडी को मैंने डीप में करवाया है बिल्कुल. सो नेक्स्ट थॉमस हेवुड के जो भी प्ले बचते हैं, जिनका टाइटल ही काफी है, लेकिन टाइटल इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रहना चाहिए. क्योंकि मैच द फॉलोइंग में मैंने आपको कई बार बताया है कि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आजकल जैसे 3 से 4 क्वेश्चन नेट के एग्जाम में मिलते हैं. मैच द फॉलोइंग में जैसे वो प्ले का नाम दे देते हैं या वर्क का नाम देंगे, और इधर आपको ऑथर देंगे जिनको आप मैच द फॉलोइंग करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो वर्क है थॉमस हेवुड की ट्रेजिक कॉमेडी है. सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखना है, ए फेयर मेड ऑफ द वेस्ट, ए फेयर मेड ऑफ द वेस्ट, जिसका सबटाइटल है ए गर्ल वर्थ गोल्ड. ओके, ये एक कॉमेडी है, कॉमेडी जो 1631 में पब्लिश हुई थी. तो ये एक कॉमेडी है, आपको ये ध्यान में रखना है. ए फेयर मेड ऑफ द वेस्ट इज ए कॉमेडी और रिटन बाय थॉमस हेवुड. सेकंड है, सेकंड है द इंग्लिश ट्रेवलर, द इंग्लिश ट्रेवलर 1633 पब्लिकेशन है इसका. सो ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी द इंग्लिश ट्रेवलर. ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, द इंग्लिश ट्रेवलर इज ए प्ले बिलोंग टू विच राइटर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसको ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में ये वाला वर्क. सिर्फ टाइटल पूछा गया, यहाँ आपको डीप में इसके प्लॉट या इसकी समरी या इसका मतलब डेप्थ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ इनका नाम टाइटल ध्यान में रखना है कि ये वर्क है वो थॉमस हेवुड के द्वारा लिखा गया है. ओके, थर्ड जो है वो है द रेप ऑफ लुक्रेस, द रेप ऑफ लुक्रेस. सो रेप ऑफ लुक्रेस है एक ट्रेजेडी है. सो रेप ऑफ लुक्रेस जो पोइम है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था. आपको मैंने मतलब विलियम शेक्सपियर की जो वर्क है उनको डीप में करवा रखा है, तो आप देख सकते हैं उसका सबरी. तो ये वही से इंस्पायर है, ये एक ट्रेजेडी है जो थॉमस हेवुड ने इसको लिखा है. एंड लास्ट है एडवर्ड फोर्थ, एडवर्ड फोर्थ, एडवर्ड फोर्थ का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इज रिटन बाय थॉमस हेवुड ने लिखा है इसको. ओके, एंड नेक्स्ट है द सिल्वर एज, सिल्वर एज एंड द गोल्डन एज. ओके, सो ये सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखने हैं, ये क्रोनोलॉजिकल प्ले है. सिल्वर एज, आयरन एज, एक बैरन एज है, ठीक है, जो थॉमस हेवुड ने लिखा है, लेकिन इतना काफी है. इसका आपको टाइटल ध्यान में रखने है. ये सभी वर्क है वो टाइटल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से टाइटल जैसे दो तीन के ये भी पूछ ले आपको, रेप ऑफ लुक्रेस ए प्ले रिटन बाय, ओके सॉरी ट्रेजेडी रिटन बाय. रेप ऑफ लुक्रेस जो पोइम थी वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, लेकिन रेप ऑफ लुक्रेस ये ट्रेजेडी है वो थॉमस हेवुड ने लिखी है. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है डिफरेंस. तो ये मेरे लिए इसकी जो कॉमेडी है ए फेयर मेड ऑफ द वेस्ट, इसका सबटाइटल आपको ध्यान में रखना है. बाकी इनके सिर्फ टाइटल देखने हैं आपको, टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. मैंने बोला कि मैच द फॉलोइंग में ऑलरेडी जैसे द इंग्लिश ट्रेवलर आ चुका है, तो ऐसे वो पूछ सकते हैं नेक्स्ट में कि एडवर्ड फोर्थ पार्ट 1 2 रिटन बाय. ओके, सो दैट्स ऑल. इसी के साथ थॉमस हेवुड है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है. थॉमस हेवुड को जितना डिटेल में, इसका सिर्फ एक ट्रेजेडी थी ए वुमन किल्ड विद काइंडनेस, वो इम्पोर्टेंट है, उसको डीप में पढ़ना. ठीक है, बाकी इनके सिर्फ टाइटल याद रखने हैं जो भी वर्क है. नेक्स्ट जो राइटर है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम.